नमस्कार बुलेटिन को आपनको स्वागत करुछि मु स्वागतिका बुलेटिन आरंभ करबा एक आश्वस्तिकर खबर देश में कमुछि कोरोना पॉजिटिव संख्या दिनक दिन ह्रास पाउछि एवं गत 24 घंटे जदि देखिबा कि देश में 3,29,942 नुआ आक्रांत चिन्हट होइछन्ति तेबे एथि सहित प्राण हराइछन्ति 3,876 जन एथि सहित देश में मोट कोरोना मृत्यु संख्या 2,49,992 को वृद्धि पाइछि। सेहिपरि देश में मोट आक्रांतक संख्या 2,29,92517 रे पहुंची। एक्टिव केस 37,15,221 बड़े एजाए सुस्थ होती 3,56,082 जन। देश में एजाए 17,27,10,600 जन को टीका दि जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों संख्या 37,236 को कमी आसी 41 दिन भितर राज्य में यह होगी सर्वनिम्न। सेहीपरि गुजरात में भी संक्रमितों संख्या यथेष्ट ह्रास पाई। सेपटे आज देश में दैनिक संक्रमण में महाराष्ट्र को टपी जाइए कर्णाटक। फेब्रुआरी ए पर्यंत दैनिक संक्रमण जब देखा कि महाराष्ट्र पॉजिटिव संख्या बढ़ी चली किंतु कर्णाटक महाराष्ट्र को टपी जाइए। महाराष्ट्र में जो भाव में पॉजिटिव संख्या कमी और कर्णाटक में बढ़ी। कर्णाटक में गत 24 घंटा भितर 39,305 पॉजिटिव चिन्हट होता बेले महाराष्ट्र में 37,236 पॉजिटिव बाहरी। महाराष्ट्र में गत 24 घंटे 549 जनक जीवन जाइए। गत मार्च 31 पर महाराष्ट्र में प्रथम थर पर आक्रांतक संख्या 37,000 को ह्रास पाई। एप्रिल 9 पर अधिकांश दिन में महाराष्ट्र में दैनिक संक्रमण 50,000 उपर रहुतबा बेले मार्च 31 रे एही संख्या 39,000 क्रॉस करिथिला। सेपटे आजिर आक्रांत को विषय कर्णाटक रे मोट आक्रांतक संख्या 19,73,683 को वृद्धि पाई। बेंगालुरु रे गत 24 घंटे संक्रमण 4,000 खसी पहुंची 16,747 रे। किंतु कर्णाटक में दैनिक मृत्यु संख्या 596 रही जहाँ हेउछि उद्वेगजनक। मे 7 रे कर्णाटक में सर्वाधिक 592 जनकर मृत्यु होता। कर्णाटक में लोक माने लॉकडाउन नियम को मानि संक्रमण चेन रे रोक लगाइबाकू निवेदन करिसेंती मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। ट्वीट करी मुख्यमंत्री कहिसेंती राज्य रे लागिथिबा 14 दिनिया लॉकडाउन रे राज्यवासी सहयोग करंतु, कोविड गाइडलाइन को पालन करंतु, समस्ते मिसी सहयोग कले महामारी को हराई हेबो बोली मुख्यमंत्री येदियुरप्पा कहिसेंती। सेपटे महाराष्ट्र में लॉकडाउन को वृद्धि करे एथपाई हूँ राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं पारती। महाराष्ट्र में मे शेष जाए लॉकडाउन को वृद्धि करे जदिव महाराष्ट्र में संक्रमण धीरे धीरे जब देखा कि कमिबार लगी तथापि राज्य सरकार आउ रिस्क नवाक आदौ चाहूना। मे शेष जाए लॉकडाउन अवधि बढ़ाइबाकू विचार करुछंती महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र में 12 जिले में दैनिक संक्रमण कमिबार लगी किंतु बाकी जिलागुड़िक संक्रमण स्थिति स्थिर रही। एक तथ्य अनुसार 12 जिले में जी संक्रमण होउछि ताहा भारतर दैनिक संक्रमण प्राय 80% रु अधिक। एबे आसंतु नजर पकाई नेबा आज देश में दैनिक संक्रमण होइथिबा प्रथम 10टी राज्यर डाटा उपरे। कर्णाटक रे 39,305 पॉजिटिव बाहरी बेले 596 जनक जीवन जाइछि। महाराष्ट्र में 37,236 आक्रांत चिन्हट होता बेले प्राण हराइछन्ति 549। तमिलनाडु में 28,968 पॉजिटिव बाहरी आखि बुझिछन्ति 232। सेहीपरि केरल में 27,487 नुआ आक्रांत बाहरी 65 जनक जीवन जाइछि। उत्तर प्रदेश में दैनिक संक्रमितों संख्या 21,277 बेले आखि बुझिछन्ति 278 जन। पश्चिमबंग में गत 24 घंटा 19,445 नुआ पॉजिटिव बाहरी किलर भाइरस नहीं 134 जनक जीवन। राजस्थान में 16,487 पॉजिटिव 160 मृत। दिल्ली में दैनिक आक्रांत संख्या 12,659 बेले प्राण हराई 319। छत्तीसगढ़ में गत 24 घंटे 11,867 जन पॉजिटिव बाहरी आखि बुझी 172 जन। गुजरात में 1,592 नुआ आक्रांत चिन्हट होता बेले 170 जन प्राण हर। संक्रमण को दृष्टि रखी उत्तराखंड में मे 18 जाए कर्फ्यू को बढ़ाई दि जाएगी। एने उत्तराखंड सरकार निष्पत्ति नहीं। प्रति लक्षे मध्य 37 जन जीवन जाऊँगी जहाँ देखिए कि जहाँ आखि आगे रखी सरकार एभली गोटे पदक्षेप नहीं। हिमालय पार्वत्य राज्य मध्य सर्वाधिक। यह दृष्टि उत्तराखंड सारा देश में होगी नवम। यह मृत्युहार उत्तर प्रदेश और पश्चिमबंग भली बड़ राज्य ठार् आगे अच्छी। सोशल डेभलपमेंट फर कम्युनिटी फाउंडेशन पक्षर एक गवेषणू यह जमापड़ी। सारा देश में मृत्युहार दिल्ली गोवा पुडुचेरी सबुठ आगे अच्छी। कोविड रे गत रविवार दिन उत्तराखंड में केवल 180 जनकर जीवन जाइछि। उत्तराखंड में केवल 180 जनकर जीवन जाइछि जहाँकि जनसंख्या दृष्टि देखा गले बेस चिंताजनक। कोरोना भाइरस महामारी समग्र विश्व में विपद सृष्टि करिछि। सबु बयसर लोक माने कोरोना द्वारा संक्रमित हेउछन्ति। एहि बयसर पिला माने मध्य कोरोना रे संक्रमित हेउछन्ति एवं पिला मानको कोरोना कबल रक्षा करिबा पई प्रथमे जे देखिबा कि कोरोना टीकाकरण शीघ्र आरंभ करिबा को जाउछि अमेरिका। अमेरिका सरकार को पक्षरु एभली एक पदक्षेप निया जिबा को जाउछि। 12 रु 15 वर्षर पिलांको फाइजर देबा को अनुमति दैछि अमेरिकार खाद्य एवं औषध प्रशासन एफडीए। फेडरल टीका परामर्शदाता कमिटी सुपारिश करिबा मात्रे टीकाकरण आरंभ हेबो बोली जना पड़िछि। विश्वव्यापी चालुथबा अधिकांश कोविड-19 टीका वयस्क मानक पई अनुमति प्राप्त। तेबे 16 वर्षरु कम वयसर किशोर मानक पई एकाधिक देश में फाइजर टीका व्यवहार करा जाउछि एवं निकटरे कनाडा मध्ये प्रथम करी 12 वर्षरु ऊर्ध्व टीका पिलांकु टीका देबा आरंभ करिछि। एबे अमेरिका मध्ये 12 रु 15 वर्षर पिलांकु वैक्सीन देबा को जाउछि। 12 रु 15 वर्ष पिलांकु दुईटी फाइजर डोज दिया जिवो। अनुमोदन देबा पूर्वरु 12 रु 15 वर्ष वयसर 2000 पिलांक निकटरे परीक्षा करा जायथिला। तेबे परीक्षा रे जना पड़िछि पिलांक निकटरे कोरोना विरोध रे लड़ाई करेबार क्षमता अधिक रहिछि। Today we're very pleased to learn that the FDA has approved emergency use authorization for the BNT162b2 vaccine to be used in children 12 to 15 years of age. So this is a watershed moment in our ability to fight back the COVID-19 pandemic. Obviously, we're very eager for this vaccine to make it into the arms of 12 to 15-year-old children as soon as possible for their benefit and to provide greater herd protection. The next critical step is going to be for the Advisory Committee on Immunization Practice of the CDC to meet and render judgment about, yes, this is a vaccine that now should be recommended, and they'll decide recommended for all or in particular circumstances. But our hope is that this is broadly applied into 12 to 15. भारत में तीव्र गति व्यापुछि कोविड भूताणु। यह भारत में अधिक संक्रामक और अति भयंकर बोली डब्ल्यूएचओ पक्षर कहुई। तेरे डब्ल्यूएचओ सतर्क कराई भारत में मिलता कोरोना भूताणुर B.1.617 भारिएंट अधिक संक्रामक एवं ये अधिक संक्रमित बोली डब्ल्यूएचओ पक्षर कहुई। बोधवे यह टीका विरोध में कौन प्रकार रेजिस्टेंस सृष्टि करें। डब्ल्यूएचओ कोविड-19 मुख्य मारी भावे कोरकोफ कहते बोधवे यह भूताणु विरोध में कौन प्रकार प्रतिकार काम देउनी। तेणु यह विश्व स्तर में चिंताजनक बोली कहुई। वर्तमान सुधा यह भारिएंट को डब्ल्यूएचओ कोविड-19 अन्य एक सामान्य भारिएंट बोली घोषणा करिथिला। या को ब्रिटेन ब्राजिल और दक्षिण आफ्रिका भारिएंट भली चिंताजनक भारिएंट बोली घोषणा कराई पारे। एसबू भारिएंट मूल भूताणु ठारू अधिक मारात्मक बोली चिन्हट कराई। तेबे वाय कोरकोफ कहते जे यह विरोध में चिकित्सा भी टीका काम करूना बोली एवं निर्दिष्ट भाव में कहुई पारना। पूर्वर डब्ल्यूएचओ मुख्य वैज्ञानिक परामर्शदाता सौम्या स्वामीनाथन कहते डबल म्यूटेशन थिबा भारिएंट गुड़िकर शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षमता ह्रास पाई है। तेज ब्राजिल और दक्षिण आफ्रिका भारिएंट भली भारत में व्यापुवा भूताणु अधिक संक्रमणशील बोली जमापड़ी। से टीकाकरण उपरे गुरुत्व देते। भुवनेश्वर तीनो स्थान चलती ड्राइव इन वैक्सीनेशन बीएमसी पक्षर देखा कि अनेक गुड़े पदक्षेप एस्प्लेनेट मल परी विभिन्न मल्ले एभली वैक्सीनेशन चली कल्पना छकरे कनिका गैलेरिया मलर पार्किंग स्थान रुद्रपुर सिम्फोनी मलर पार्किंग स्थान पटियार किड्स स्टाडियम टीकाकरण कर 45 वर्षरू अधिक वयस्कर लोकंकु वैक्सीन दि जाउछि। कोविड नियम मानि गैलेरिया मलर पार्किंग स्थल में होछि वैक्सीनेशन। जो मानकर स्लॉट बुकिंग होइतिला समानको कोवैक्सीन टीका दि जाउछि। तेरे बाइक एवं कार ऑटो आसी द्वितीय डोज टीका नेउछन्ति लोके। भुवनेश्वर महानगर निगम अधिकारी उपस्थित रही टीकाकरण व्यवस्था तदारख करिसेंति। बीएमसी ड्राइव इन वैक्सीन को राजधानी लोक माने बेस प्रशंसा करिसेंति। बीएमसी कमिश्नर प्रेमचंद्र चौधरी कहिसेंति आगो को टेस्टिंग पई स्लॉट बुकिंग व्यवस्था करा जिवो। लेकिन वैक्सीनेशन वास्तव में आपण देखि परिबे इट्स वेरी स्मूथ एंड जेहेतु एटा सब ऑनलाइन मोड रे करा होउछि एंड सो एंड टाइम स्लॉटेड भी से भितर पूरा क्लैरिटी रे मिलूची। सो आप निजे देखी पारिबे कि ए जगह किसी क्राउडिंग नहीं, लोक आसुचंती एंड इजिली दे आर गेटिंग देयर वैक्सीन। ऑलमोस्ट 99% सेंटर एवरीथिंग इज फाइन। ओनली विद ऑनलाइन अपॉइंटमेंट किंबा आपनकर मोबिलाइज्ड किसी ग्रुप अछंती स्पेशल ग्रुप्स लाइक हेल्थ केयर वर्कर एंड फ्रंट लाइन वर्कर से मानकर किसी मोबिलाइजेशन अछि। बाकी सब अपॉइंटमेंट थ्रू ही करा होची। कमिशनर निर्देश क्रमे आम प्रथम एस्प्लानेड वन मॉल जो अच्छी से ड्राइव इन वैक्सीनेशन स्टार्ट करूँ। प्रथम दिन में जो 400 स्लॉट था समस्त बुकिंग हो जाता और परवर्त पर्यायर प्रत्येक दिन से 500 लोकों को वैक्सीनेशन आरंभ हो जाए। से परिप्रेक्षी पुणी आम जो अन्य मॉल गुड़िक अच्छी अन्य ओपन स्पेसेस अच्छी आज आमर किट क्रिकेट स्टेडियम स्टार्ट होता सहित सिम्फोनी मॉल जो अच्छी आम नखरार से स्टार्ट होती एवं उत्कल कानिका गैलेरिया जो आम अच्छी कल्पना छकरे से ड्राइव इन वैक्सीनेशन को स्टार्ट कर। राउरकेला 88 स्थान में टीकाकरण करे आईजीएस टीकाकरण केन्द्र में देखाई लोक भितर असंतोष। किसी लोक टीकाकरण समय पाटितुंड कर खबर सामना आसी। संगे संगे आरएमसी कमिशनर अतिरिक्त एसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारी माने पहुंची लोक सेटा बुझासुझा कर। तेबे टीकाकरण प्रथम दिन होइतिबारु सामान्य असंतोष देखा जाइतबा कहिसेंति आरएमसी कमिशनर। एबे हमारा 8टी जगह चली वैक्सीनेशन 500 इच एट ऑल दी प्लेसेस। लोक मान सब मेसेज जाइए, जो मान मेसेज जाइए से मैंने एवं काफी सक्सेसफुली एवं बिना किसी इश्यूज रे वैक्सीनेशन होची। जोठी टिके लोक आसी कि कहार परिवार वर्ग संगे आसुच्च स्ट्रिक्टली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आमर वॉलंटियर्स अच्छे से बसवा को कहते कि दूर रे रहा कहते काफी सिस्टमैटिकली पर्यटन सब ठीक ठाक चल। एबड़े राज्य में धीरे धीरे कमुची आक्रांतक संख्या। 5 दिन पर जो देखा कि 10,000 तले रही संक्रमण, यह ओडिशावासी गोटे आश्वस्तिकर कथा। किंतु देखा कि आज 24 घंटे राज्य में 9,793 पॉजिटिव चिन्हट होती। एसत कोरोना नहीं 18 जनक जीवन। एसत राज्य में कोरोना मृत्यु संख्या जो देखा 2,215 को वृद्धि पाई। खोर्धू सर्वाधिक पॉजिटिव चिन्हट होती। खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 1,511, सुंदरगढ़ 1,018 आक्रांत चिन्हट होती। आक्रांतक संख्या ह्रास पाई भी खोर्धा और सुंदरगढ़ को लेकिन चिंता बढ़ुची कहीं। खोर्धा और सुंदरगढ़ जिलार आक्रांतक संख्या ये कौटिना कौटि सबुबले अधिक रही। सेपरी कटक पॉजिटिव चिन्हट होती 641, अनुगुल 526 पॉजिटिव बाहरी, झारसुगुड़ा 404, नुआपड़ा 401, जाजपुर 376, संबलपुर 356, पुरी 351, बलांगीर 342, बालेश्वर 314, नवरंगपुर 302 आक्रांत चिन्हट होती। सेपरी गंजाम 276 आक्रांत चिन्हट होता बेले बरगढ़ 270, नयगढ़ 254, केन्दुझर 244 पॉजिटिव चिन्हट होती। कलाहांडी 224, मयूरभंज 149, जगतसिंहपुर 189, कोरापुट 174, केन्द्रापड़ा 158, बौद्ध 152, रायगड़ा 148 आक्रांत चिन्हट होती। सेपरी सोनपुर 140, देवगढ़ 125, गजपति 111, कंधमाल 101, ढेंकानाल 91, मलकानगिर 63, भद्रक 52 आक्रांत चिन्हट होती। गत 24 घंटे राज्य में 18 जनक जीवन नहीं किलर भाइरस। अनुगुल जिलार सर्वाधिक 4 जनक मृत्यु होता बेले खोर्धार 3 जनकर जीवन नहीं कोरोना। सेहीपरि सुंदरगढ़ रायगड़ा और कलाहांडी दुई जण लेखाएं आक्रांत मृत्यु होती। बौद्ध देवगढ़ गजपति मलकानगिर पुरी जिलूर जड़े लेखाएं आक्रांत जीवन जाती। सहित राज्य में मोट कोरोना मृत्यु संख्या 2215 को वृद्धि पाई। आज रेड जोन रही राज्यर 26 जिला। एवं आसतु नजर पकाई नेबा क्यों जिला रेड जोन अच्छी एक्टिव केस केते रही। प्रथम नजर पकाई नेबा आसतु खोर्धा जिला। खोर्धार 14,250 रही एक्टिव केस। सुंदरगढ़ 11,055। कटक रही एक्टिव केस 7,522। बरगढ़ 4,303। संबलपुर 4,643। पुरी 4,003 रही एक्टिव केस। अनुगुल रही 4,257। नवरंगपुर रही 3,014। झारसुगुड़ा 3,132। कलाहांडी 3,744। बलांगीर रही 2,865। जाजपुर रही 2,848। नुआपड़ा रही 2,396। नयगढ़ रही 2,129। बालेश्वर जो देखा कि एक्टिव केस संख्या रही 2,371। सेहीपरि मयूरभंज 1,872। गंजाम 2,035। भद्रक 1,647। बौद्ध 1,904। रायगड़ा 1,303। जगत सिंहपुर 1,340। केन्दुझर 1,165। सुवर्णपुर 1,403। कोरापुट 1,347। ढेंकानाल 1,256। केन्द्रापड़ा 1,195। परवर्ती खबर को आसवा। बौद्ध में कालबैशाखी वर्षा एवं कालबैशाखी वर्षा जो अनेक किसी क्षयति होती। पवन बहुत जोर होबारू देखा कि अनेक गछ भांगी जाइए। सहित प्रबल तोफान सहित प्रबल वर्षा होती। विभिन्न स्थान में गछ बिजुली खुंट भांगी जाइए। ग्रीष्म ताती लोक आश्वस्ति मिलते झड़ वर्षा अनेक क्षयति होती। तेज सका 9 आरंभ होता झड़ वर्षा। यह समय 50 से 60 किलोमीटर वेगर पवन बहता। बौद्ध ब्लक्र बाउंशुणी कंटमाल मनमुंडा पुराणा कटक एबी लगी रही वर्षा। सोनपुर में कालबैशाखी वर्षा होछि। प्रबल तोफान जो अनेक किसी क्षयति होछि। विभिन्न स्थान में गछ उपुड़ी पड़ी। सहित बिजुली खुंट भांगी जाइए। घड़घड़ी सहित प्रबल जोरे पवन बहता। इस समय एवं भी झिपिझिपि वर्षा सोनपुर में लगी रही। वर्षा जो गोटेपटे ताती आश्वस्त मिली किंतु जो देखा कि यह वर्षा रबी धान चाष किछि परिमाण में क्षति होइथिबार मध्य आशंका करा जाउछि। आरंभ हो जाएगी कालबैशाखी वर्षा। राजधानी विभिन्न स्थान में प्रबल जोरे पवन बहती। सहित वर्षा होती। पश्चिम ओडिशार विभिन्न स्थान में सकाळु कालबैशाखी वर्षा होता। या पूर्व मुहां होती कालबैशाखी वर्षा। भुवनेश्वर और यार आखपाख अंचल में प्रबल वर्षा आरंभ हो जाएगी। सहित घड़घड़ी रही पवन बेग रही। तो प्रबल जोरे राजधानी में वर्षा होती कालबैशाखी वर्षा। गोटेपटे ताती आश्वस्ति मिली किंतु अनेपटे जो भाव में प्रबल वर्षा होती। अधिक आलोचना करने बर्तमान शरद साहू पानीपाग विशेषज्ञ बर्तमान फोन लाइन जोड़ी होती। साहू आपको स्वागत करुच आलोचना को। राज्यर विभिन्न स्थान में कालबैशाखी वर्षा ता सहित भुवनेश्वर में वर्षा। तो कालबैशाखी प्रभाव कौन रही? सवाल को अभिनव किंतु समस्या टेम्परेचर बढ़ुची आगंत ओडिशे टेम्परेचर रोचे काल बैशाखी टेम्परेचर भी रोचे फास्ट काफ जोटा कि आज टे ना कि अन्य दिन माना जहाँफल कि सपोर्ट करुच्ची काल बैशाखी सृष्टि तार तीव्रता भी अधिक रोचे अन्न वर्ष मानक जनरली काल बैशाखी है कि पकेट रही कि देखा जाए कि एत जलय बाष्प आसे होल ओडिशा प्राय विभिन्न जिला को आफेक्ट करुच्चे आउ ये काली पर्यंत र मैक्सिमम 13 तारीख पर्यंत रही पारे 13 तारीख रु चैलेंज रही कि सुक्त साहू जानिबा को चाहेबो आज केवल बर्तमान आपनकर भुवनेश्वर पर होती तापर पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा प्रभाव पड़ो तापर धीरे धीरे बालेश्वर किसी पार्ट रे 1 आवर पर्यंत तार प्रभाव रहबो 1 आवर पर प्राय समुद्र पड़ि जइबो आ एते प्रभाव नै किंतु काल बैशाखी आसंता काली भी किछिटा प्रभाव रही पारे पर दिन को 13 तारीख रु धीरे धीरे काल बैशाखी प्रभाव कमी आइलो एवं ग्रेजुअली तापमान भी बढ़ी आरंभ को जिला पय अलर्ट सिक्त साहू जानिबा को चाहिबो को जिला पय अलर्ट रहबो सिक्त साहू जेतु काल बैशाखी वर्षा हेबो पवन बेग अधिक रहि पारे कि उत्तर पश्चिम आज्ञा निश्चित भाव में आज जमी कहते काल बैशाखी वर्षा प्रभाव रही कटक में जो प्रभाव रहा उपकूल ओडिशा प्रभाव रहा धन्यवाद सुक्त साहू आपको बहुत बहुत धन्यवाद आलोचन में सामिल होते बरगढ़ अदिनिया वर्षा वर्षा सकाल सकाल लग रही है अनेक किसी क्षयक्षति होती वर्षा चाषी एकर एकर फसल नष्ट हो जाए आज सकाल बरगढ़ सहर समेत विभिन्न स्थान में वर्षा लग रही एपटे लकडाउन बेले अदिनिया वर्षा जो दुकान बजार प्रभावित होती आकाश मेघाच्छन्न थिबा बेले झिपिझिपि वर्षा लग रही आगक एभली वर्षा लग रही आहरी धान नष्ट होबार संभावना रही जिले में गत 5 तारीख रबी ऋतु धान किणाबिका आरंभ होती हीराकुद कमांड एरिया अताबिरा बरगढ़ आरएमसी विभिन्न मार्केट यार्ड आवश्यक भित्ति भूमि न चाषी धान बस्ता भिजि जाइथिबा अभियोग करिसेंति चाषी वर्षा रे धान भिजि थिबारु मिलर्स माने क्विंटल पिछा 4 रु 5 केजी धान काटछाड़ करुथुबा चाषी संगठन अभियोग करिसेंति विभिन्न स्थान में काल बैशाखी वर्षा लग रही राजधानी भुवनेश्वर में मारा आरंभ हो जाए काल बैशाखी वर्षा प्रबल बेगर पवन बहुची सहित वर्षा लग रही पश्चिम ओडिशार विभिन्न स्थान में सकाल सकाल काल बैशाखी वर्षा होता यापर पूर्व मुहां होती काल बैशाखी भुवनेश्वर और यार आखपाख अंचल में प्रबल वर्षा आरंभ हो जाए कटक में प्रबल वर्षा होन्न स्थान पानी में भेजी जाए गोटेपटे लोक मानती आश्वस्ति मिलता बेले अंपटे काल बैशाखी वर्षा जो अनेक स्थान में गछ उपोड़ी पड़ी विद्युत खुंट उपोड़ी पड़ी चाषी चाष जमी क्षतिग्रस्त होछि आपड़ देखुंत ये हूँ कटक चित्र आपड़ देखु कटक में किभली भाव में काल बैशाखीर तांडव लग रही कटक में प्रबल जोरे पवन बहुची सहित वर्षा गोटेपटे कटकवासी को ताती आश्वस्ति मिली आउपटे आप ये देखुं कटक दृश्य किभली भाव में कटक में प्रबल जोरे काल बैशाखीर तांडव देखा मिली किसी स्थान में गछ भांगी पड़ चित्र आसूसी सहित वर्षा प्रबल जोरे होती पवन बहुची अनेपटे पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्व कहला कि काल बैशाखी वर्षा लग रही प्रभाव देखा मिली राज्यर विभिन्न स्थान में ये हूँ कटक दृश्य आप देखा कटक में काल बैशाखी जो किभली भाव में वर्षा लगी रही सहित पवन बहुत तो गोटेपटे लोक ताती आश्वस्ति मिली राज्यर विभिन्न स्थान में कालबैशाखीर तांडव देखा मिली। बौद्ध, सोनपुर, बरगढ़ सबुठे देखा कि कालबैशाखी वर्षा जो विभिन्न स्थान में झड़ तोफान देखा मिली। ये हूँ आप देखुं कटक दृश्य। कटक में जो भाव में कालबैशाखीर तांडव देखा मिली। प्रबल जोरे पवन हो सहित वर्षा पाणीपाग विभाग पूर्व आकलन करता कि राज्य में कालबैशाखी जनित वर्षा हो पवन बेग 40 ରୁ 50 किलोमीटर वेगर रमती तार दृश्य देखा मिली। घड़घड़ी सहित वर्षा हो राजधानी भुवनेश्वर में किस पूर्व आरंभ हो जाए कालबैशाखी जो वर्षा ता सहित पवन। ये हूँ कटक दृश्य आप देखिपुंट जो भाव में झड़ वर्षा अनेक किसी क्षयक्षति होती विभिन्न स्थान में वर्षा लगी रही। कटक में जो भाव में प्रबल जोर वर्षा हो समस्त बुलेटिन को एट रखा। नमस्कार।